गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लूप्स के बारे में। और लूप्स में मैं सबसे पहले क्या करूँगा, आप लोगों को बताऊँगा वाइल लूप फॉर लूप के बारे में। और उसके बाद हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में किसी भी एक एरे को इटरेट करने के लिए किस किस तरह के लूप्स का इस्तेमाल किया जाता है, और ऑब्जेक्ट्स को इटरेट करने के लिए कौन से लूप का इस्तेमाल करें, किस तरह कन्वीनियंटली एक ऑब्जेक्ट को इटरेट कर सकते हैं और एक एरे को इटरेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक नई फाइल बनाऊँगा जिसका नाम रहेगा tut55.html, और इसके अंदर बॉयलर प्लेट डाल दूंगा और इसके अंदर लूप्स टाइटल डाल के मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिख दूंगा डिव डॉट कंटेनर। और मैं पता नहीं क्लास क्यों देता हूँ कंटेनर की, बट दिस इज अबाउट लूप्स यहाँ पर लिख देता हूँ। सेव करके यहाँ पर टी को कैपिटल बना देता हूँ। और यहाँ पर एक काम करता हूँ कि आप लोगों को ये प्लेलिस्ट जो है वो दिखा देता हूँ, अगर आप लोगों ने एक्सेस नहीं करी अभी तक तो काइंडली इसको ज़रूर एक्सेस कर लेना। और उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपना लाइव सर्वर चला दूंगा फिर से, तो मेरा जो दिस इज़ अबाउट लूप्स वाला ये पेज है खुल जाएगा लाइव। और यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा कि जावास्क्रिप्ट का टैग लगाकर यहाँ पर जावास्क्रिप्ट इंसर्ट करूँगा। मैं यहाँ पर सिंपली लिखता हूँ, क्या लिखूँ, कंसोल डॉट लॉग, और उसके बाद लिखता हूँ दिस इज ट्यूटोरियल 55, ठीक है, इसको कैपिटल कर लेते हैं। उसी के साथ साथ ये देख लेते हैं कि ये यहाँ पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि नहीं आ रहा है तो मतलब जावास्क्रिप्ट हमारी लिंक नहीं हुई है। सबसे पहले सिंपल वाले लूप्स बता देता हूँ, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पर लेट आई इज इक्वल टू जीरो कर दिया, मैं एक लूप बनाकर कुछ इस तरह से कर सकता हूँ। और आप लोग कहोगे क्या कर रहा हूँ मैं, लेकिन बताता हूँ क्या कर रहा हूँ। मैं लिखूँगा आई इज लेस देन 3 और आई प्लस प्लस, ठीक है। अगर मैंने इस तरह से लूप बनाया तो इसका क्या मतलब, मैं सबसे पहले यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग आई करता हूँ, ठीक है। और फॉर लूप आप लोगों को समझाता हूँ कि क्या होता है। देखो, सबसे पहले फॉर लूप में क्या होता है कि ये जो कंडीशन है, इसे इनिशियलाइजेशन कहते हैं, ये जो स्टेटमेंट है इसको इनिशियलाइजेशन कहते हैं। ये जो लाइन मैंने लिखी हुई है पहले सेमी कॉलन से पहले, वो एक बार, सिर्फ एक बार लूप के लिए रन होती है। इस केस में आई इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, यानी कि आई के अंदर जीरो सेव हो जाएगा। उसके बाद आई इज लेस देन 3, यानी कि आई जब तक लेस देन 3, ये एक कंडीशन है, ये एक शर्त है, और ये शर्त चेक की जाती है क्या आई लेस देन 3 है। इस केस में बिल्कुल है, आई की वैल्यू मैंने जीरो करी है अभी, तो आई इज़ लेस देन 3 है, तो नंबर 1 यहाँ पर जाएगा, नंबर 2 ये कंडीशन चेक करेगा। अब अगर ये कंडीशन सच हो गई तो ये क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो इस केस में क्या होगा, कंसोल डॉट आई पे, कंसोल डॉट आई में 0 प्रिंट हो जाएगा मेरे कंसोल में। और जैसे ही ये 0 प्रिंट करके इस फॉर लूप को फिनिश करेगा, ये वाली जो हमारा ये जो लाइन ऑफ कोड मैंने लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और इस केस में क्या होगा, आई की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी, यानी कि आई की वैल्यू अब 1 हो चुकी है। अब ये फिर से कंडीशन को चेक करेगा, नोट करना कि ये सिर्फ एक बार रन करता है, इसके बाद सीधा कंडीशन चेक करेगा, फिर इसको रन करेगा, फिर ये अपडेट कर देगा, इसको अपडेशन बोलते हैं, ये अपडेट कर देगा आई को, फिर यहाँ पर इसको चेक करेगा, सच होगी तो अंदर घुसेगा और फिर अपडेट करेगा, और जब तक ये सच होती रहेगी तब तक ये फॉर लूप चलता रहेगा। तो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, यहाँ पर हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट है, सबसे पहले तो 0 प्रिंट हो जाएगा क्योंकि i इज़ लेस देन 3 है। उसके बाद क्या होगा, 0 प्रिंट होने के बाद 1 प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, 2 प्रिंट हो जाएगा। क्यों प्रिंट होगा 2, क्योंकि जब i की वैल्यू 2 होगी तो 2 इज़ लेस देन 3 ट्रू कंडीशन है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, i की वैल्यू हो जाएगी 3, क्योंकि 2 प्लस 1 होता है 3। और उसके बाद जब ये चेक होगी तो 3 लेस देन 3 जो कंडीशन होती है वो फॉल्स होती है, क्योंकि 3 3 के बराबर होता है, छोटा नहीं होता है 3 से, तो 3 इज़ लेस देन 3 फॉल्स हो जाएगी, तो ये लूप एग्जिट हो जाएगा। तो 0 1 2 मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और ये देखो 0 1 2 यहाँ पर प्रिंट हो गया। तो इस तरह से जो है फॉर लूप्स काम करते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग क्या करते हैं, लूप्स को इस्तेमाल करते हैं एक एरे को आइटरेट करने के लिए। और एक एरे को आइटरेट करने के लिए लूप, फॉर लूप को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो मान लो मेरे पास, मैं इसको सबसे पहले कमेंट आउट करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो कोड का पार्ट है ये आपके पास रहे। मैं यहाँ पर arr करके एक एरे बनाऊँगा, या फिर लेट फ्रेंड्स नाम का एक एरे बनाता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ रोहन, संजीव, दीप्ति, और उसी के साथ साथ पूजा, ठीक है। एक और ले लेते हैं, किसको ले, स्किल एफ को ले लेते हैं, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 दोस्त हैं, इन सब के लिए मुझे रन करना है फॉर लूप। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो फॉर लूप का जो कोड है वो मुझे यहाँ पर स्निपेट से मिल जाएगा। देखो यहाँ पर ये काला काला बना हुआ है, इसको आप ऐसे करोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको कुछ बना कर दे रहा है।
इंडेक्स कह लो, आई कह लो, कुछ भी कह सकते हो। ये मैंने यहाँ पर पिछले वाले एग्जांपल में आई लिया था, इस केस में इंडेक्स ले लो। अब आप टैब दबाओगे ना जैसे ही, अब ये वीएस कोड का फीचर है बाय द वे, मैं बता रहा हूँ आपको, ये कोई जादू नहीं हो रहा है। अगर आप नोट पैड पर लिखोगे तो ये नहीं कर पाओगे, वीएस कोड में लिखोगे तो कर पाओगे, लेकिन नोट पैड में टाइप कर सकते हो आप, अगर आप नोट पैड की मदद से बना रहे हो वेबसाइट अपनी, जो कि रेयरली बनाते हैं लोग। टैब दबाओ आप लोग, तो एरे का नाम क्या है, मेरे फ्रेंड्स। तो ये देखो ये क्या कर रहा है, एक साथ फ्रेंड्स को चेंज कर दिया इसने, यहाँ पर और यहाँ पर भी मुझे करना पड़ेगा फ्रेंड्स, और उसके बाद फ्रेंड्स डॉट लेंथ तक ही चलेगा, यानी कि इसकी जो लेंथ है वहाँ तक चलेगा, जीरो से स्टार्ट करते हुए। और एलिमेंट के अंदर ये क्या करेगा, एलिमेंट के अंदर ये फ्रेंड्स इंडेक्स, यानी कि जो मेरा एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा इस केस में, मैं यहाँ पर इसको लेट कर लेता हूँ, एलिमेंट इज इक्वल टू, और इनफैक्ट मैं एलिमेंट इज इक्वल टू नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्टली इसको कंसोल डॉट लॉक कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कैसे चल रहा है। मैं कंसोल डॉट लॉक कर देता हूँ इसको, फ्रेंड्स इंडेक्स। अब यहाँ पर देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। देखो फ्रेंड्स इज इक्वल टू ये किया मैंने, अब क्या होगा, सबसे पहले इंडेक्स की वैल्यू जीरो होगी तो फ्रेंड जीरो प्रिंट हो जाएगा, यानी कि रोहन प्रिंट हो जाएगा। तो एक काम करता हूँ मैं, हेलो फ्रेंड और कॉमा करके नाम कुछ इस तरह प्रिंट करूँगा मैं, तो सबसे पहले हेलो फ्रेंड रोहन प्रिंट हो जाएगा, फिर आई की वैल्यू वन होगी तो वन इंडेक्स पर क्या है, संजीव है, संजीव प्रिंट हो जाएगा, हेलो फ्रेंड संजीव, फिर हेलो फ्रेंड दीप्ति, हेलो फ्रेंड पूजा, 0 1 2 3 4। अब हमने देखा था 0 और 3 था जब यहाँ पर, तो 0 1 2 के लिए रन हुआ था, यहाँ किसके लिए रन होगा, 0 से लेके लेंथ माइनस वन, लेंथ कितनी है 1 2 3 4 5, यानी 0 से लेके 4 तक होगा, 0 1 2 3 4। अब जिस तरह मैंने बताया था कि सबसे पहले ये चलेगा, फिर उसके बाद ये चेक होगी, फिर ये चलेगा इसके अंदर जो है, फिर ये अपडेट हो जाएगा इंडेक्स, फिर वापस से कंडीशन चेक होगी, फिर अंदर जाएगा, फिर उसके बाद ये जो अपडेशन वाली कंडीशन है वो चल जाएगी, फिर उसके बाद वापस से ये कंडीशन चेक होगी, ये चलेगा, एंड सो ऑन, ठीक है, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो इस केस में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ हेलो फ्रेंड रोहन संजीव दीप्ति पूजा स्किल एफ, और आप लोग यहाँ पर देखो हेलो फ्रेंड रोहन, हेलो फ्रेंड संजीव, हेलो फ्रेंड दीप्ति, हेलो फ्रेंड पूजा, और हेलो फ्रेंड स्किल एफ यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। पहले जब जावास्क्रिप्ट आई थी तब क्या होता था कि इसी तरह हम लोग प्रिंट करते थे, और हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं था कि कुछ आराम से हम ये काम कर सकें। अब इस आराम का क्या मतलब है मैं आप लोगों को बताता हूँ, आज की तारीख में मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में आप लोग इसी चीज़ को आराम से लिख सकते हो, और किस तरह लिख सकते हो, आप कह सकते हो फ्रेंड्स डॉट फॉर ईच, और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, एक फंक्शन लिख सकते हो, और उसके अंदर आप दे सकते हो एलिमेंट, और उस फंक्शन को इस तरह बना सकते हो आप। और ये सिंटैक्स आप याद कर लो, रटने की ज़रूरत नहीं है, नेट पे मिल जाता है सिंटैक्स, बट अगेन समझने की कोशिश करो। फॉर ईच एक फंक्शन है जो यहाँ पर बंद हो रहा है, और इसके अंदर एक ये फंक्शन है जो मैंने अभी हाईलाइट किया हुआ है, तो फॉर ईच के अंदर एक फंक्शन है जो कि चलेगा हर एलिमेंट के लिए, हर एरे के एलिमेंट के लिए चलेगा। और मैं यहाँ पर लिख दूंगा कंसोल डॉट लॉग, और उसके बाद मैं लिख दूंगा हेलो फ्रेंड, और उसके बाद मैं लिख दूंगा प्लस एलिमेंट, एज सिंपल एज दैट। और ये वही काम करेगा जो कि मेरा पुराना वाला जो कमेंट कर दिया कोड मैंने उसने किया है। हाँ, मैंने एफ यहाँ पर कैपिटल बनाया या स्मॉल बनाया है, तो इसलिए कैपिटल एफ आपको दिखाई देगा। और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यूजिंग मॉडर्न हेलो फ्रेंड, और फिर उसके बाद लिख देता हूँ टू मॉडर्न जावास्क्रिप्ट, ठीक है, टू मॉडर्न जावास्क्रिप्ट। तो मैंने लिख दिया हेलो फ्रेंड टू मॉडर्न जावास्क्रिप्ट, यानी कि दोस्त तुम्हारा मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में स्वागत है। तो फॉर ईच लूप कुछ इस तरह से काम करता है, हर एरे के एलिमेंट के लिए आप लोग इसको चला सकते हो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने किया। इसी के साथ साथ फॉर ईच लूप के साथ साथ हमारे पास और भी चीज़ें होती हैं, और भी लूप्स होते हैं, और मैं आपको बताता हूँ, वो होता है हमारे पास फॉर ऑफ लूप। आप फॉर ऑफ लूप भी चला सकते हो अगर आप और सिंपल इसको बनाना चाहते हो, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे फॉर ऑफ लूप चलता है। अब अगर मैं कुछ ऐसे लिखूँ फॉर एलिमेंट ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है, अगर ये सिंटेक्स चलता तो कितना मज़ा आ जाता। और ये चीज़ मैं यहीं पर लिख दूँ, जो मैंने लिखा हुआ है ना कंसोल डॉट लॉग वाली बात, वो यहाँ लिख दूँ मैं, अगर ये चल जाता तो कितना अच्छा होता, टू मॉडर्न जावास्क्रिप्ट अगेन। और खुशखबरी पता है क्या है, खुशखबरी है कि ये चलता है, ये देखो टू मॉडर्न जावास्क्रिप्ट अगेन। तो आप फॉर ऑफ लूप भी यूज़ कर सकते हो इसको और आसान बनाने के लिए। तो ये तीनों तरीके हैं आपके एरे को आइटरेट करने के। आप या तो जो हमारा क्लासिकल फॉर लूप होता है पुराने ज़माने वाला, जो कि बाबा आजम के ज़माने में यूज़ किया जाता था, उसी के बाद हमारा ये मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में फॉर ईच आया, और उसके बाद फॉर ऑफ भी आया, जो कि आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये है हमारे लूप्स कुछ तरीके
जो कि आप यूज़ कर सकते हो एक एरे के एलिमेंट्स को इटरेट करने के लिए। ये था हमारा फॉर ऑफ लूप, ठीक है। चलो बढ़िया हैरी भाई, ये तो बात अच्छी हो गई। आपने फॉर लूप बता दिया, आपने फॉर ईच बता दिया, आपने फॉर ऑफ बता दिया, लेकिन मुझे तो करना है एक ऑब्जेक्ट को इटरेट, यानी कि मुझे तो कुछ इस तरह के ऑब्जेक्ट को इटरेट करना है। अब मैं क्या करूँ, कुछ इस तरह से। सैलरी 2 रुपये, नाम हैरी और चैनल का नाम कोड विद हैरी, क्योंकि हम आलसी हैं पूरा नहीं लिख सकते। और ये करने के बाद आप चाहते हो कि इसकी की वैल्यूज़ मिल जाए मुझे किसी तरह से, अब क्या करें। तो खुशखबरी ये है कि फॉर इन लूप भी होता है एक। और फॉर इन लूप क्या करता है, आप कुछ ऐसे कर सकते हो, आप लिख सकते हो फॉर की इन एम्प्लॉई, और आप कह सकते हो हर की के लिए मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है इसको। तो कंसोल डॉट लॉग कुछ इस तरह से, मैं टेम्पलेट लिटल का इस्तेमाल करूँ। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है इसके बारे में कि हम बैक टिक्स लगा सकते हैं, और बैक टिक्स लगा कर लिख सकते हैं कुछ इस तरह से दी, और यहाँ पर लिख देंगे डॉलर, और यहाँ पर लिख देंगे की, फिर लिखेंगे ऑफ, फिर लिख देंगे एम्प्लॉई इज, फिर वापस से हम वही चीज़ करेंगे डॉलर और ये लगाकर लिख देंगे क्या, एम्प्लॉई की, ठीक है। सेव करता हूँ इसको और देखता हूँ कि क्या जो मैं चाहता था वो प्रिंट हो, बिल्कुल हो गया। द नेम ऑफ एम्प्लॉई इज हैरी, द सैलरी ऑफ एम्प्लॉई इज 2, द चैनल ऑफ एम्प्लॉई इज कोड विद हैरी। वाओ, तो फॉर इन लूप क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स को यूज दिस लूप टू इटरेट ओवर ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट। तो ये हमारा जो है फॉर लूप रैप करता है, ठीक है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट है आपकी ज़िंदगी में, तो आप उस ऑब्जेक्ट को इस तरह से इटरेट कर सकते हो, ठीक है। ये था हमारा फॉर इन लूप। तो हमने फॉर ऑफ लूप की बात करी, हमने फॉर इन लूप की बात करी, हमने फॉर और फॉर ईच लूप की बात तो कर ही ली थी। अब ये जो मैंने अभी तो बताया ना आप लोगों को, फॉर ऑफ, फॉर ईच, ये आप मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ करोगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। मतलब ऐसा है कि आप अगर 100 बार अगर यूज़ कर रहे हो, तो करीब 80 बार आप ये यूज़ करोगे। और अगर आप कुछ ऐसा कोड लिख रहे हो, मतलब बहुत ही फंकी जावास्क्रिप्ट वाला कोड, जब तक आप नहीं लिख रहे हो तब तक 80 बार आप यूज़ करोगे। लेकिन वाइल लूप और डू वाइल लूप और इस तरह के लूप आप कभी कभी यूज़ कर सकते हो। तो मैं आप लोगों को वाइल लूप के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर वाइल लूप इन JS, ठीक है। देखो वाइल लूप इन JS कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। वाइल लूप बिल्कुल वही होता है जो फॉर लूप होता है, बस उसमें क्या होता है, आपको वाइल लिखना पड़ता है और कंडीशन डालनी पड़ती है। अब मान लो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया है, लेट आई इज इक्वल टू 0। अब मैं लिखूंगा क्या आई इज लेस देन 45 है या फिर 4 है। ऑब्वियसली लेस देन 4 है, दिख रहा है 0 इज लेस देन 4। तो क्या होगा, कंसोल डॉट लॉग हो जाएगा, लिखेगा कि आई इज लेस देन 4। और मैं यहाँ पर बैक टिक लगा लेता हूँ और आई की वैल्यू को कुछ इस तरह से लॉक कर लेता हूँ, ठीक है। तो आई इज़ लेस देन 4। अब मैंने अगर इसको ऐसे ही छोड़ दिया ना, तो ये कंसोल डॉट लॉक प्रिंट करता रहेगा मेरा आई इज़ लेस देन 4, 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 बिल्कुल इसी तरह ये बोलता रहेगा। ऑब्वियसली आपको अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं ऐसे बोलता रहूँगा बार बार। तो यहाँ पर हम अपडेट करेंगे इस तरह, जिस तरह आपको मैं बार बार बोलता हूँ अच्छा नहीं लगूंगा, उसी तरह आपको ब्राउज़र को भी अच्छा नहीं लगेगा ये कोड देखना, ठीक है। वाइल लूप में अगर आप इस तरह से डाल के चला दोगे, तो इनफाइनाइट वाइल लूप बना दोगे, तो इसलिए आप अपडेट करना चाहोगे भाई आई को। और आई जैसे ही अपडेट होगा, तो आई की वैल्यू पहले 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, जैसे ही 4 होगी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, आई इज़ नो लॉन्गर लेस देन 4 नाउ, आई अब 4 से छोटा बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि आपकी कंडीशन हो गई झूठी, यानी कि आप साबित हो गए झूठे, यानी कि आप जाओगे लूप से बाहर। तो ये प्रिंट करेगा क्या, यहाँ पर बैक टिक्स लगा के मुझे डॉलर भी लगाना है, वरना आई की वैल्यू ऐसे प्रिंट नहीं होगी। प्रिंट होगा सबसे पहले 0 इज़ लेस देन 4, 1 इज़ लेस देन 4, 2 इज़ लेस देन 4, 3 इज़ लेस देन 4, लेकिन 4 इज़ लेस देन 4 प्रिंट नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो 0 इज़ लेस देन 4, 1 इज़ लेस देन 4, 2 इज़ लेस देन 4, 3 इज़ लेस देन 4, बहुत ही बढ़िया। तो ये था हमारा वाइल लूप, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अब आप इसको फंकी वे में इस्तेमाल कर सकते हो, और चीज़ों के साथ मिक्स करके यूज़ कर सकते हो, इसके अंदर फंक्शंस को रन कर सकते हो, वो आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर मैं छोड़ता हूँ। लेकिन जो वाइल लूप है वो सिर्फ इतना ही है,
अभी डू वाइल लूप भी होता है, वो इसका एकदम सगा भाई होता है, एकदम सगा भाई, सगा भी नहीं जुड़वा भाई होता है। बस एक छोटी सा डिफरेंस होता है, जुड़वा भाइयों में डिफरेंस होता है ना, एक भाई के तिल होता है, एक भाई होता है मतलब समझ जाओ बस, तो वही है। और तिल भी कहाँ होता है, ऐसी जगह पर जहाँ दिखे ही नहीं लोगों को। एनीवेज तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि डू वाइल लूप में क्या होता है, डू यहाँ पर होता है, सबसे पहले डू लिखते हो आप, ठीक है, उसके बाद सिंटैक्स इसका कुछ इस तरह से होता है, और उसके बाद आप क्या करते हो, डू लिखने के बाद ये पूरा आप ख़त्म कर देते हो ब्लॉक ऐसे, और ये ब्लॉक ख़त्म करने के बाद आप वाइल लिखते हो और कंडीशन देते हो, और फिर यहाँ पर सेमी कोलन लगाते हो, ठीक है। ये सिंटैक्स है। मैं एक काम करता हूँ यार, थोड़ा सा कॉपी पेस्टिंग कर लेता हूँ क्योंकि काफ़ी आलसी है। डू वाइल लूप इन JS, डू लिखा मैंने, डू के अंदर अपने ये स्टेटमेंट्स डाल दिए। अब अगर आप इसको और अच्छा बनाना चाहते हो तो कुछ ऐसे कर लो, थोड़ा इंडेंटेशन ठीक कर लो। क्या होगा, पहली बार ये हमेशा चलेगा, ठीक है, ऐसा होगा। तो अगर मैंने आई की वैल्यू को, मैं काम करता हूँ यहाँ पर जे कर देता हूँ इसको, जे कर देता हूँ क्योंकि आई तो ऊपर ऑलरेडी कर दिया मैंने, जे कर देता हूँ इसको, और यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ लेट जे इज इक्वल टू 34 लिख दिया मान लो। अगर 34 वाइल के अंदर घुसता तो 34 इज़ लेस देन 4 जो है पहले ही फॉल्स हो जाती है, लेकिन ये क्या करता है, एक मौका देता है। जैसे होता है ना कुछ लोग ज़िंदगी में एक मौका देते हैं, कहते जा यार तुझे एक मौका दिया मैंने, कर ले करके दिखा, चल अब करके दिखा। ये डू वाइल लूप भी बिल्कुल उसी नस्ल का होता है, कहता है चलो एक मौका मैं तुमको देता हूँ, तो ये एक मौका देता है और एक बार प्रिंट करने देता है, फिर देखता है अरे ये तो गद्दार निकला, ये तो 4 से छोटा है, चलो निकले यहाँ से बाहर, ठीक है। तो इस तरह से ये सिर्फ एक बार चलेगा, और एक बार चलेगा ही चलेगा, चाहे कंडीशन ट्रू हो चाहे कंडीशन फॉल्स हो। तो यहाँ पर देखते हैं हम कि हमारा एक बार चला कि नहीं, 34 इज़ लेस देन 4 जो कि गलत है, लेस देन 4 नहीं है, बट वी एंड वी आर इनसाइड डू वाइल लूप, ये लिख देते हैं। नहीं तो अगर 34 इज़ लेस देन 4 लिखा हुआ देख लिया किसी ने तो शायद आपको जान से भी मार सकता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखें अपना, 34 इज़ लेस देन 4, और ये भी लिख दें कि डू वाइल लूप के अंदर है इसलिए ऐसा लिखा है, 34 4 से छोटा बिल्कुल भी नहीं है, गणित आती है हमको थोड़ी बहुत। एनीवेज अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमने काफ़ी चीज़ देख ली, वाइल देख लिया, डू वाइल देख लिया, फॉर देख लिया, फॉर इज देख लिया, फॉर ऑफ देख लिया, फॉर इन देख लिया, सब कुछ देख लिया हमने। अब यहाँ पर हम उसको इस्तेमाल करना सीखेंगे आने वाली वीडियोस में, और ये जो मैंने मसाला दिया है आपको इस वीडियो में, खैर ये मसाला तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये जो सोर्स कोड है थोड़ा सजा सजू देता हूँ सोर्स कोड में, लेकिन सोर्स कोड तो सजा ही दूंगा मैं, लेकिन उसी के साथ साथ आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन से एक्सेस भी कर लेना इस सोर्स कोड को, और थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कर लिया करो कभी कभी आप लोग अगर इस कोड को लेते हो। तो मैं चाहता हूँ कि आप सवाल पूछने के बजाय खुद से एक्सपेरिमेंट करके देखो चीज़ों को, जैसे कि इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि ये ऐसे होगा या वैसे होगा, मैं चाहता हूँ कि आप खुद उसको करके देखो कि कैसे होता है। उससे क्या होगा, आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, आपको एक बेटर अप्रोच मिलेगा एक चीज़ को करने का, आई थिंक वो प्रॉब्लम को टैकल करने का सही तरीका है। करके देखो अपने आप, आउटपुट देखो, हाँ अगर आउटपुट लगता है कि यार ऐसे नहीं ऐसे आना चाहिए तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हो कि भाई हाँ मैंने सोचा था ऐसे आउटपुट आएगा लेकिन आउटपुट तो ऐसे आ गया, ऐसा क्यों हुआ, और उसका भी जवाब जो है ज़रूर आपको मिलेगा अगर आप ढूंढोगे तो। गूगल आपका साथी है, मैं तो आपका साथी हूँ ही। तो इसी के साथ साथ हम क्या करते हैं, इस वीडियो को रैप अप करते हैं, और आने वाली वीडियोज़ में और फंकी चीज़ें देखेंगे और फनी चीज़ें देखेंगे, एकदम वेबसाइट्स को ऐसा बनाना सीखेंगे कि कोई देखे तो बोले वाह भाई वाह, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। उसी के साथ साथ ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है अगर, तो मैं चाहूँगा कि यहाँ क्लिक करके बुकमार्क कर लेना प्लेलिस्ट को, और यहाँ क्लिक करके इसको सेव भी कर लेना। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज़, थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।